हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज, अपने गेम के अंदर एक नया ईवो वॉल्ट आ चुका है और उसी ईवो वॉल्ट में अपना सबसे फेवरेट वाला गन है गाइज, जिसका नाम है ईवो स्कार, जो कि मुझे चाहिए था बहुत टाइम से। आज फाइनली वो आ ही गया, जबकि उसका वेट मैं 8 महीने से भी ज़्यादा से कर रहा हूँ और ये आज जा करके अपने गेम के अंदर आया है। बट कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर डायमंड्स है और हम लोग आपको अब यहाँ पर स्पिन करके दिखाएंगे और आपको निकाल करके भी दिखाएंगे। और आप लोग वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई, थंबनेल के लिए फ़ोटो भी मैंने खींच डाली है और भाई यहाँ पर स्पिन करना स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, ठीक है। और भाई एक गन तो आपको निकाल करके दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और मैं आपको बता देता हूँ कितने से कितने डायमंड तक अप्रॉक्स आपके लगने वाले हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले तो आप लोग इतना जान लो गाइज कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो ना, तो कम डायमंड में ही निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर हर ईवो वॉल्ट में स्पिन करते हो तो हो सकता है आपके अच्छे खासे डायमंड लग जाए। लेकिन गाइज, यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं अच्छे से बता दूँ कि अगर आपके चारों ईवो गन नहीं है, चारों में से एक भी ईवो गन नहीं है, तो 4000 डायमंड में आपको चारों स्किन निकल जाएंगे, ठीक है। 4000 डायमंड आप लगाओ, गारंटी तो नहीं लूँगा लेकिन 90% चांस है कि आपको चारों ईवो गन निकल जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं छोटा मोटा कुछ ट्रिक यूज कर लेता हूँ अपने मन के संतुष्टि के लिए, आप लोग भी कर सकते हो। वैसे अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ये वाला चीज़ करना ठीक ठाक ही रहता है, अच्छे जल्दी मतलब इवेंट में से कुछ भी फंसता है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये ज़रूर से करना भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी देखो भाई, मैंने पहला स्पिन कर दिया है। याद रहेगा, जब भी आप लोग स्पिन करना स्टार्ट करो तो भाई 20-20 का स्पिन ही करना, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अगर 200 का स्पिन करने लगोगे तो गरीना वालों को लगेगा कि आपके पास बहुत पैसा है। इसीलिए गाइज, पहले तो ट्राई किया करो कि पहले आप जब भी स्पिन करो तो 20-20 वाला करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते गाइज कितना यहाँ पर मेरे डायमंड यहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन यार पे क्या मिल रहा है भाई, ये बक्सा जिसके अंदर 4-5 टोकन वगैरह मिल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। तुम कम से कम इतना करो यार कि हम इतना 2000 डायमंड लगा रहे हैं तो एक गन निकालने का हमारे पास गारंटी हो एक्सचेंज करके, ठीक है। एक्सचेंज करके एक सिस्टम होना चाहिए था, ठीक है ना, जहाँ से अपना फेवरेट वाला गन को एक्सचेंज कर सके। क्योंकि ऐसे तो भाई हर एक गन जो नहीं चाहिए होगा वही मिल जाएगा। और भाई ये थॉम्सन है ना भाई, ये मेरे सिर पर चढ़ के बैठा है भाई, कब से बताओ तुमको एक बार। 500 टोकन मेरे को, यानी 5 बार ये थॉम्सन इधर से फंस चुका है ईवो वॉल्ट में। पहले भी आया था तो 2-3 बार ऐसे ही फंसा था, अभी आज भी देखना एक बार और फंसेगा। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर पूरा स्पिन करके दिखाऊंगा और निकाल के दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्पिन करते जा रहे हैं, अब आएगा 20-20 वाला, मतलब नहीं करना है, मतलब आप एक बार ट्राई करो एक 20 स्पिन करने के 20-20 के, ठीक है ना, 20 या 10 स्पिन करने के 20-20 के। उसके बाद आप लोगों को फिर से स्टार्ट कर देना 200 वाला, ठीक है। मिक्स करके करना है, एक बार 20-20 का करना, एक बार फिर 200-200 वाला करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 20 वाला भी मैं कर रहा हूँ और 20-20 वाला भी कर रहा हूँ और यहाँ पर 200 वाला भी कर रहा हूँ, तो दोनों मिक्स करके ही करना, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दो भाई लोग, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो भी इस इवेंट में स्पिन करने वाला है। और भाई ईवो स्कार जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है भाई, आप लोगों के पास अगर नहीं है तो निकालो ज़रूर से, क्योंकि ये सबके पास नहीं होता है। ईवो स्कार जो है सबके पास नहीं है भाई, बहुत रेयर चीज़ है ये और बहुत टाइम के बाद वापस से रिटर्न में आया है। तो मैं तो ये मौका नहीं छोड़ने वाला, अभी 2 महीने तक ही ईवो स्कार रहेगा तो मैं इसको ज़रूर से निकाल लूँगा। अभी भले नहीं हो निकले, लेकिन फिर जब आगे मैं टॉप वगैरह करूँगा, वीकली वगैरह करूँगा, तो फिर से तो गारंटी निकाल लूँगा। अब यहाँ पर देखो गाइज, आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा आना है गोल्ड रॉयल और वेपन रॉयल वगैरह में स्पिन कर देना है, ठीक है। इससे थोड़ा सा लक इनक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसा ज़रूर से करना। अब हम लोग वापस से ईवो वॉल्ट में जाते हैं और ईवो वॉल्ट में जा करके आपको फिर से स्पिन करके दिखाते हैं। सीधा यहाँ पर 200 वाला स्पिन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, सीधा यहाँ पे 200 वाला स्पिन किया। और देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पर थॉम्सन निकल आएगा, सस्ते में ही थॉम्सन निकल गया, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, हमें थॉम्सन निकल गया, हमारे पास 400 डायमंड अभी और है, उन 400 डायमंड का यूज़ करके हम लोग अभी आराम से यहाँ पर निकाल सकते, ठीक है। अभी मतलब कि 600 डायमंड अभी और लगने वाले हैं और एक और गन मेरे को निकल जाएगा, ठीक है। तो 600 डायमंड लेने के लिए तो मेरे ख्याल से 2 वीकली लग जाएगा, तो हम लोग आराम से वेट करेंगे और आराम से 600 डायमंड एक वीकली में 445 डायमंड होता है, हाँ। और अभी वीकली का डायमंड थोड़ा बढ़ चुका है,
एक वीकली में 445 डायमंड होता है और कुछ इधर से जुगाड़ बुकार करके 600 डायमंड तक तो हो ही जाएगा। फिर से गाइस यहाँ पर स्पिन करते हैं और यहाँ पर आपको मैं लास्ट स्पिन तक करके दिखाऊंगा, देखते कहीं कोई स्किन फंस जाए। लेकिन गाइस यहाँ पर ज़्यादा चांसेस नहीं होते, आप लोग जब तक 600 या 700 डायमंड स्पिन नहीं करते हो तो एक गन तो नहीं निकलेगा, बहुत कम बहुत रेयर में ही आपको निकल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पर हम लोग फिर से स्पिन करते हैं और गाइस यहाँ पर दिखाऊंगा ना, देखना थॉम्सन मेरा लेवल 5 हो चुका है, ऊपर से 600 रैम अभी एक ये कितना अभी 1100 टोकन इधर और हो गए 1000 डायमंड के फ़ायदा हुआ। लेकिन गाइस इसमें तो कितना फ़ायदा हुआ देखो, 400 डायमंड का सीधा फ़ायदा हो गया, 400 डायमंड का सीधा फ़ायदा हो चुका है। यहाँ पर हम लोग अभी यहाँ पर आपको एक्सचेंज करके टोकन वगैरह दिखाते हैं। मेरे पास सारे लगभग सारे गन के स्किन है, बस जो फालतू फालती वो गन है ना वो मैंने नहीं निकाले, सारे ईवो गन हमारे पास यहाँ पर गाइस ऑलरेडी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो। अभी कुछ ही दिन में हम लोग अपना पीसी बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद अच्छे से सारे बहुत सारे मज़ेदार वीडियोज़ आप लोगों को चैनल के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा और पीसी बिल्ड का भी वीडियो हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो आप लोग वहाँ ज़रूर से देखना। यहाँ पर कुछ टोकन हमें मिल चुके हैं और ये M10 का टोकन है और ये रहा भाई अपना स्कार। तो अभी देखो गाइज आप लोगों का अगर एक गन मैक्स है तो आप उसको यूनिवर्सल टोकन में चेंज कर लो, तो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होने वाला है, यूनिवर्सल टोकन में चेंज कर लेना ठीक है। M10 का टोकन को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ यूनिवर्सल टोकन में, इससे मैं किसी भी गन को अपग्रेड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो स्कार के मेरे पास कितना टोकन है भाई, 136 टोकन है भाई साहब। अभी 3 लेवल में आराम से इससे कर सकता हूँ बैठे, बिना पैसा लगाए, 1 रुपया लगाए, बिना 1 रुपया लगाए मैं यहाँ पर 3 लेवल आराम से स्कार को कर सकता हूँ, इतना टोकन है गाइज मेरे पास। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना जो भी स्कार का स्किन निकालना चाहते हैं। और भाई मिलते हैं अगले ईवो वर्ल्ड के स्पिन के वीडियो में, तब तक ले बाय बाय टाटा।